मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर उतर जाते हैं और उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान बहुत से लोग ऐसे सामने आए जिनके पास बाहर निकलने का कोई उचित कारण नहीं था। पुलिस ने इस दौरान एक ऐसे युवक को भी पकड़ा जो खुद को मीडिया कर्मी बता रहा था। उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन मौके पर मौजूद आधिकारिक पत्रकार और मीडिया कर्मियों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। एसपी नवनीत भसीन ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो भी निर्देश जिला प्रशासन ने प्रसारित किए हैं उनके अनुसार ही कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। जो लोग अपना किसी मेडिकल रीजन से जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बल्कि पुलिस आगे बढ़ के उनको अस्पताल भी छोड़ रही है, दवाई भी ला के दे रही है। परंतु जो लोग केवल शुद्ध आवारागर्दी करने निकल रहे हैं जिनको इस बात का एहसास नहीं है, जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया सभी लोग मिलकर उनके लिए किस प्रकार के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि आज चंदे की छावनी पर पॉइंट अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा पूरे जिले में जहाँ जहाँ पर हमारे थाना प्रभारी हैं, अब 9 बजे दूध और ब्रेड वाला टाइम जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति मिले, उन्होंने अपना परिचय दिया था, किसी मीडिया में है वो ऐसा कुछ बताया था, तो उनका एक आई कार्ड भी प्राप्त हुआ है और बाकी कुछ लोगों से चर्चा हुई, जानकारी में नहीं आ पाया है कि अभी किस चैनल में है या किस प्रेस में है, तो अभी तस्दीक की जा रही है। जो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।